हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ जो है वैसलिन टोटल मॉइस्चर। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये वैसलिन की बॉडी लोशन है, टोटल मॉइस्चर, 24 आवर्स नरिशिंग लोशन फॉर टचेबली सॉफ्ट स्मूथ स्किन। और इसमें प्योर सोया का यूज़ किया गया है जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ किया गया है। इसमें पैराबिन भी इंक्लूडेड है, तो जिन लोगों को पैराबिन से प्रॉब्लम है तो वो लोग इसे यूज़ ना करें। तो इसकी प्राइस है 55 रुपीज़ और क्वांटिटी है 100 ml की, तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। और ये सबसे छोटी साइज़ है इसकी, और भी ये 2-3 साइज़ में आती है, इससे बड़ी बड़ी साइज़ में आती है, जो 300 ml की होती है 185 रुपीज़ में। तो आप चाहे तो कोई भी साइज़ ले सकते हैं, बट अगर आप इसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले छोटा साइज़ लेकर ही ट्राई करना चाहिए। और आप इसे 24 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इसे कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर से या जनरल स्टोर से ले सकते हैं, और ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी इजीली मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये इस तरह की पैकेजिंग के साथ आती है। लाइट येलो कलर की प्लास्टिक बॉटल है फ्लिपटॉप कैप के साथ, जो काफ़ी टाइट है, ये टाइटली लॉक हो जाती है। तो पैकेजिंग वाइज ये काफ़ी अच्छी है, स्टडी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, तो आप इसे कहीं भी इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगी, प्रोडक्ट लीक होने का कोई चांस नहीं होता है। और ये इतनी छोटी है कि आप इसे अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं या इजीली कहीं भी इसे रख सकते हैं। तो अब इसकी टेक्सचर देख लेते हैं। इसकी टेक्सचर कुछ इस तरह की है, ये देखिए लोशन फॉर्म में है, और कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा थिन है, ठीक ठाक कंसिस्टेंसी की है। और फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, स्वीट सी है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, एकदम माइल्ड है। इसे स्किन पे लगाने से ये अच्छे से स्प्रेड हो जाती है और स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाती है इजली कुछ ही सेकंड में। और एब्जॉर्ब होने के बाद स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता है, थोड़ा सा भी ग्रीसी सा फील नहीं होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट मॉइस्चर देता है, स्किन पे बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है, और ये बहुत ही अच्छे से स्किन को अंदर से डीपली मॉइस्चराइज कर देता है, और काफ़ी टाइम तक ये स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है, अच्छे से नरिश कर देता है, सॉफ्ट स्मूथ सपल स्किन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है, स्पेशली विंटर में तो हो ही जाती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने स्किन को सॉफ्ट स्मूथ इससे बना सकते हैं। ये मॉइस्चर स्किन पे काफ़ी टाइम तक मेंटेन करके रखता है, तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, स्पेशली विंटर में, क्योंकि विंटर में सभी की स्किन ड्राई हो ही जाती है, तो आप उन दिनों के लिए यूज़ इसे कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। तो ओवरऑल ये बॉडी लोशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है। तो ये था मेरा रिव्यू वीडियो ये प्रोडक्ट को लेकर। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हो मैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।